Hi everyone. In last lecture we have started our new topic soil pollution and we have completed the sources of soil pollution. हमने sources वहाँ पर देख लिया था. In today's lecture I will discuss effect of soil pollution. हम लोग soil pollution का आज effect देखने वाले हैं. तो शुरू करते हैं lecture. Video के description में आपको PDF notes का link है available Instamojo का. आप चाहें तो वहाँ से PDF notes download कर सकते हैं और एक pekun.in का भी लिंक होगा. pekun.in से आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहें, आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और इसको पर्सनली कुछ सपोर्ट करना चाहें तो आप pekun.in पर क्लिक करके वहां से कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं. तो इफेक्ट हम लोग देखना है सॉइल पोल्यूशन का, क्या क्या इफेक्ट होता है वो देख लेते हैं यहाँ पर. तो सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट सबसे पहले आपको क्या नज़र आएगा कि इसका जो फर्टिलिटी है, जो जो आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, जहाँ पर खेतों में एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग पॉल्यूटेड सॉइल वहाँ पर रहेगा, सॉइल में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा. तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप के प्रोडक्शन के प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करने वाला है. सेकेंड फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बायो मैग्निफिकेशन टर्म आता है. बायो मैग्निफिकेशन आपको ऑलरेडी वाटर पॉल्यूशन में भी पढ़ाया था, बायो मैग्निफिकेशन. तो बायो मैग्निफिकेशन आता है, वो क्या होता है, बॉडी में जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं वो एकुमुलेट होते जाते हैं. तो फिलहाल हम लोग वन बाय वन डिस्कस ही करते चले जाते हैं, क्योंकि शुरू से आपको बताऊंगा फिर उसको डिस्कस करूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप क्वालिटी. यहाँ पर क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से, और उसके वजह से क्रॉप का क्वालिटी, जो वहाँ पर क्रॉप हमें मिलता है, जो हमें वहाँ पर फसल मिलता है, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो सही से नहीं हो पाता है. तो ये इसमें फर्स्ट इसका रिडक्शन होता है. तो इसमें देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो देख लेते हैं. यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इट कैन डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप. सॉइल पोल्यूशन, अगर पोल्यूटेड सॉइल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सॉइल वहाँ पर जो क्रॉप का क्वालिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. अब हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर हम लोग फर्टिलाइजर, केमिकल्स फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज होता चला जाता है. अब डिक्रीज होता चला जाता है तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी वहाँ पर हमें क्रॉप मिल रहा है, वहाँ पर जो हम फसल लगा रहे हैं, वहाँ पर उसका उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रहा है. स्टार्टिंग में तो आपको अगर वहाँ पर कुछ केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तब थोड़ा सा बेनिफिट आपको नज़र आने वाला है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जिसके वजह से वहाँ पर सॉइल में कुछ कॉन्टेमिनेशन ऐड हो रहा है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो सॉइल पॉल्यूट होता चला जा रहा है और धीरे धीरे आपको डे बाई डे उसका क्वालिटी खराब होता चला जा रहा है, डिग्रेड होता चला जा रहा है. दिस विल लीड टू डिक्रीज इन सॉइल क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप, जिसके वजह से क्या होता है, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे वो सॉइल का क्वालिटी डिक्रीज होता चला जा रहा है, जिसके वजह से पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप हमें वहाँ पर मिलने वाला है. तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देख लिया कि रिडक्शन इन द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप क्वालिटी, सॉइल का फर्टिलिटी में डिक्रीज होता है और उसका क्रॉप का क्वालिटी हमें खराब मिलता है वहाँ पर. तो ये सब पॉइंट्स आपको इसके अंदर आपको लिख लेना है. पॉइंट वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ आपको सब पॉइंट दे दे रहा हूँ, जिसके वजह से आप उसमें थोड़ा सा डिटेल भी लिख सकते हैं. सेकेंड देख लेते हैं अब हम लोग बायो मैग्निफिकेशन. तो बायो मैग्निफिकेशन आपको ऑलरेडी वाटर पॉल्यूशन में भी पढ़ाया था. वहाँ पर क्या होता है कि जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, वो उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी से टर्सरी में जाता है, मतलब वो फूड चैन में जो भी वहाँ पर केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पर DDT बताया था. DDT अगर कोई हम लोग प्राइम जो कंज्यूमर में हम लोगों ने दिया, वो क्या हुआ, वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, उसमें स्टोर हो जाता है. अब जैसे ही वो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में जाएगा तो उसका क्वांटिटी मैग्नीफाई होता चला जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज करता चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन. तो वही यहाँ पर शो किया गया है. मान लीजिए सॉइल में हमने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हमने यूज़ किया, तो वो उसमें केमिकल्स जो था वो क्या हुआ, सॉइल में एक्युमुलेट हो गया. अब सॉइल में तो वो है, अब यहाँ पर हमने क्रॉप लगाया तो वो क्रॉप में भी चला गया. क्रॉप में मान लीजिए कि इतना टू यहाँ पर नज़र आ रहा है, टू पीस यहाँ पर कुछ केमिकल्स है वहाँ पर दिख रहा है आपको. अब उसको इस क्रॉप को जो कंज्यूम करेगा, मान लीजिए कोई इंसेक्ट को कंज्यूम किया या कोई भी कंज्यूम किया उसको, तो जैसे ही वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे गया वो क्या होगा, उसमें उसका क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, उस केमिकल का क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा. उसके बाद उसको जैसे टर्सरी ने कंज्यूम किया, सेकेंडरी यहाँ था, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, ये मान लीजिए कि टर्सरी है, टर्सरी ने कंज्यूम किया तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही वो मतलब थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचा तो क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वो मैग्नीफाई हो गया, उसका क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गया है.
आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेकेंड 2 पीस था, यहाँ पर 4 पीस है, यहाँ पर आपको 6 पीस हो गया। तो वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, फूड चेन में इंक्रीज़ करता जाता है, उसका वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ता जाता है, वही उसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो मान लीजिए कि अगर सॉयल पॉल्यूट है, पॉल्यूटेंट ऐड है, उसमें कुछ हमने केमिकल्स यूज़ किया, फर्टिलाइजर यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड यूज़ किया, तो वो केमिकल वहाँ पर क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे वो फूड चेन में आगे बढ़ता जाएगा, वहाँ पर उसका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। अब वो ह्यूमन के पास जाएगा तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पहुँचने वाला, जिसके वजह से ह्यूमन के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है उस केमिकल के वजह से। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स काउज सॉइल पोल्यूशन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पर सॉइल पोल्यूशन का, उसका सॉइल का पोल्यूशन हो जाता है, वहाँ पर सॉइल पोल्यूट हो जाता है, वही बोल रहा है कि काउज सॉइल पोल्यूशन, वहाँ पर सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं उसके बाद। दीज हार्मफुल केमिकल्स नॉट ओनली इंटर द फूड चेन बट ऑल्सो मैग्नीफाई इन द फूड चेन। बोल रहा है ये जो हार्मफुल केमिकल है वो सिर्फ फूड चेन में इंटर नहीं करता है, बट वहाँ पर सिर्फ इंटर नहीं करता है, वो इंटर करने के साथ साथ वो मैग्नीफाई भी होता चला जाता है फूड चेन में। मान लीजिए कि यहाँ पर कंज्यूमर था, कंज्यूमर से क्या प्राइमरी में, तो वो उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, फिर सेकेंडरी में गया तो उसका और क्वांटिटी बढ़ जाएगा, फिर टर्शरी में गया तो और क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी अगर केमिकल्स हम लोग यहाँ दिए हैं, तो जैसे जैसे वो फूड चेन में आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका क्वांटिटी जो होगा वो इंक्रीज़ करता चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ऑलरेडी हमने यहाँ ये वाटर पोल्यूशन में भी देख लिए हैं हम लोगों ने। अब आगे देख लेते हैं ह्यूमन के हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है सॉइल पोल्यूशन का, उसका इफेक्ट देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है। सॉइल में जैसे जैसे केमिकल्स हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या होता है सॉइल में कुछ मेटल्स, हैवी मेटल्स भी ऐड होते हैं, कुछ केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो जिसके वजह से सॉइल तो पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, बट अगर उस सॉइल के साथ अगर हम लोग वहाँ पर सॉइल में रहते हैं, या कोई खेलता है, कोई बच्चे हैं खेल रहे हैं उसमें, तो उसमें डिफरेंट टाइप का डिजीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट है आपको स्किन डिजीज़ मिलने वाला है, फिर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पर कैंसर से रिलेटेड भी आपको स्किन कैंसर या कैंसर से भी रिलेटेड मिलेगा, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, अगर हम लोग पॉल्यूटेंट सॉइल में रहते हैं या पॉल्यूटेड सॉइल में रहते हैं, तब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है। वहाँ पर कुछ केमिकल्स होता है, वो जो सॉइल होते हैं वो रहने लायक नहीं होता है, अगर वहाँ पर कोई रहते हैं तो क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या डिजीज़ होगा यहाँ पर हम लोग वन बाई वन देख लेते हैं। इट विल इंक्रीज द एक्सपोजर टू टॉक्सिक एंड हार्मफुल केमिकल। जो भी पॉल्यूटेंट अगर सॉयल है तो क्या होगा, वहाँ पर टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल के साथ एक्सपोजर जो होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है, एंड दस इंक्रीजिंग हेल्थ थ्रेट्स टू पीपल लिविंग नियर बाई एंड ऑन द डिग्रेडेड लैंड। जो भी खराब लैंड है, जहाँ पर सॉयल का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, अगर वहाँ पर पीपल रहते हैं, तो वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो थ्रेट होता है, जो डर होता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज वहाँ पर टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल्स उस सॉइल में ऐड होते हैं। अगर वहाँ पर पर्सन कोई भी रहेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकता है वहाँ पर, इसीलिए बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लिविंग वर्किंग और प्लेइंग, मतलब अगर कोई रहता है या कोई काम करता है या कोई प्ले करता है उस सॉइल पर, इन द कॉन्टिमिनेटेड सॉइल कैन लीड टू रेस्पायरेटरी डिजीज, स्किन डिजीजेज एंड अदर डिजीजेज। बहुत सारे डिजीज़ होता है, रेस्पायरेटरी डिजीज हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, एंड अदर डिजीज हो सकता है। अगर कोई वहाँ पर रहता है या वर्क काम करता है उस सॉइल में, या बच्चे हैं प्ले कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, स्किन से रिलेटेड हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड हो सकता है, और अगर उस सॉइल में हैवी मेटल है तो ऑलरेडी हैवी मेटल से क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको वाटर पॉल्यूशन में पढ़ाया था। हैवी मेटल से आपको किडनी फेलियर हो सकता है, अगर मरकरी है तो उससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की बीमारी, मीनामेटा आपको बताया था, मीनामेटा हो सकता है, फिर वहाँ पर लीवर फेलियर हो सकता है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है, फिर आपको और भी आपको वॉमिटिंग हो सकता है, वो सब हम लोग देख लेते हैं आगे। हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन द पेंट्स, जैसे पेंट में अगर कोई हैवी मेटल है या डाइज है या केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, ये सब जो अगर वाटर ये सब अगर सॉयल में ऐड किया गया है या ऐड हो गया है किसी वजह से, देन काउज हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉयल विच काउज डिजीज रिलेटेड टू किडनी, लीवर, स्किन, नर्वस सिस्टम, कैंसर एंड लंग्स। डिफरेंट टाइप्स को जो बॉडी के ऑर्गेन है उनको ये डैमेज कर सकता है डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पर पेंट्स ऐड हो गया, डाइज ऐड हो गया, केमिकल्स ऐड हो गया, किसी वजह से वो ऐड हुआ हो, जो भी सोर्सेज उसका हो उसके वजह से वो ऐड हुआ हो, तो उस ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल जो हो रहा है वो पॉल्यूट हो रहा है, जिसके वजह से आपको ऑलरेडी आपको पता है स्किन डिजीज होगा, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है,
फिर आपको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, कैंसर, लंग्स, ये सब हो सकता है। तो ये आपको ह्यूमन के हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर आपको मिलने वाला है, और बायोमैग्निफिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। जो भी वहाँ पर सॉइल में ऐड किया गया है केमिकल्स, वो प्लांट में जाएगा, प्लांट से फिर वो फूड चैन के थ्रू वो ह्यूमन के हेल्थ, ह्यूमन में भी इन कर सकता है, इन करेगा तो फिर वो ह्यूमन पर भी इफेक्ट करेगा। इसलिए आपको देखते होंगे आजकल पहले के कंपेरिजन में ह्यूमन को डिजीज़ ज़्यादा होता है, बिकॉज जो भी हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन के हेल्थ पर उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं वाटर को कैसे ये पॉल्यूट कर रहा है, वाटर में कैसे कॉन्टेमिनेशन ऐड कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी अगर पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड सॉयल है, तो क्या होगा, जो बारिश का जो जो रेनिंग रेन वाटर होता है या बारिश का पानी आता है, वो क्या करता है अपने साथ पॉल्यूटेड को फ्लो करके, पॉल्यूटेड सॉयल को फ्लो करके जो भी सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज है, उसमें ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, इससे सॉयल पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। द सर्फेस रन ऑफ आफ्टर रेनिंग विल कैरी द पॉल्यूटेड सॉयल, जो भी मतलब बारिश के पानी, जो अगर पानी आ रहा है तो रेनिंग की वजह से क्या होता है, जो भी सरफेस का जो वाटर होता है वो फ्लो करके रन होकर क्या होता है, पॉल्यूटेड सॉयल को अपने साथ कैरी कर लेता है एंड इंटर इनटू डिफरेंट वाटर सोर्स, और वाटर सोर्स में वो डिफरेंट वाटर सोर्स जो भी है उसको मिलेगा, रिवर हो गया या जो भी हो गया, पॉन्ड हो गया, उसमें वो इन कर जाएगा। इन करेगा तो क्या होगा, जो भी पॉल्यूटेंट उसके पास था वो पॉल्यूटेंट उस सोर्सेज में, जो भी वाटर सोर्सेज उसमें ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो यूज़ के लायक हमारे लिए नहीं बचेगा। दस इट कैन काउज अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन, देयर बाई काउजिंग वाटर पोल्यूशन। अब वो हो सकता है अंडरग्राउंड में धीरे धीरे चला जाए, तो अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा, जो कि वाटर पोल्यूशन का काउज हो सकता है। दिस वाटर आफ्टर कॉन्टेमिनेशन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल। अब सॉयल में केमिकल ऐड थे, तो वो क्या हुआ, वाटर में केमिकल ऐड हो गया फ्लो होने की वजह से, वाटर में फ्लो ऐड हो गया वो, तो उसके वजह से वाटर में भी ऐड हो गया। अब वाटर में ऐड हो गया तो वो ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए वो फिट नहीं है, अब यूज़ के लिए जो भी उसका यूज़ है वो उसके लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पर अगर सॉयल पोल्यूशन होता है तो वो वाटर को भी पॉल्यूट करता है, वाटर सोर्सेज, डिफरेंट वाटर सोर्सेज को भी पॉल्यूट कर सकता है, और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्राउंड में ही जाता है, तो ग्राउंड को भी पॉल्यूट कर सकता है, ग्राउंड वाटर को। ये सब मेन मेन हमने यहाँ पर इसका इफेक्ट देख लिया। एक लास्ट इफेक्ट बच रहा है आपका, कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, जो भी इकोसिस्टम है जहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, स्नेक है, जो कि सॉयल में ही रहते हैं। तो अगर पॉल्यूटेड सॉयल होगा तो क्या होगा, उनके उनके हेल्थ पर भी एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को भी डैमेज करेगा। तो देख लेते हैं, सॉयल पॉल्यूशन कैन काउज एन इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द सॉयल। जो भी सॉयल में इकोसिस्टम होता है, सॉयल में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स हो गया, फिर रेप्टाइल होता है, स्नेक्स होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होता है, तो सॉयल में ही वो लोग रहते हैं। तो अगर सॉयल पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सॉयल के इकोसिस्टम को वो इनबैलेंस कर देगा। दस द सॉयल इज एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट एंड इज द हाउस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। बोल रहा है डिफरेंट, वो इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है, मतलब उसका रहने का जगह है, इज द हाउस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, रेप्टाइल का, रेप्टाइल बोलते हैं जो रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका स्नैक हो गया, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब का वो हाउस एक तरह का होता है, वो सब सॉयल में ही रहते हैं। अब सॉयल में ही रहते हैं, अगर सॉयल में केमिकल्स होगा तब क्या होगा, वो उनके स्किन पर भी डैमेज करेगा, उनके हेल्थ पर भी डैमेज करेगा, वो उसी में रहते हैं तो उनके हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालने वाला है, तो ये सॉयल के इकोसिस्टम को ये डैमेज करेगा। दस द सॉयल पॉल्यूशन कैन निगेटिवली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन रिजल्ट इन द ग्रेजुअल डेथ ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। उसके वजह से क्या होता है, अगर सॉयल पॉल्यूशन है तो वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है जो भी लाइफ उस पर, जो भी उस पर मतलब एनिमल्स हैं या रेप्टाइल है उस पर रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म पर निगेटिव इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से उनका धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका मतलब डेथ भी हो जाता है, मेनी ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो जाता है। तो मतलब जो भी सॉयल, जो भी इकोसिस्टम है सॉयल का, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट ये सॉयल पोल्यूशन करता है, बिकॉज सॉयल में अगर केमिकल्स ऐड होगा तो उसमें जो भी वहाँ पर चीज़ें होंगी, जो वहाँ पर रहते होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रहते होंगे वहाँ पर, एनिमल्स रहते होंगे, उन पर एडवर्स इफेक्ट डालने वाला है। तो इफेक्ट हमने देख लिया, फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्या क्या देखा था हमने, क्वालिटी क्या होता है, क्रॉप का जो क्वालिटी होता है वो हमें ख़राब मिलता है। फिर सेकंड हमने बायो मैग्निफिकेशन देख लिया था। फिर थर्ड हमने ह्यूमन पर
इफेक्ट देखा, फिर हमने फोर्थ हमने वाटर पोल्यूशन देख लिया, और वाटर मतलब वाटर उसको ऐड वाटर में ऐड हो रहा है, और फिफ्थ हमने देख लिया इकोसिस्टम को वो डैमेज कर रहा है, इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो ये हमने फाइव चीज़ें फाइव थिंग्स हमने देख लिया यहाँ पर। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन कम्प्लीट हो गया। ये दो क्वेश्चन जो कल आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था और आज के लेक्चर में कराया था, इससे आपका दोनों क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे सिलेबस में कुछ एग्रीकल्चर पोल्यूशन के बारे में भी दिया है और कुछ केमिकल्स ऑफ सॉइल के बारे में भी दिया है, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज एग्रीकल्चर पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप चाहे तो इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फेसबुक पेज भी बना हुआ है इंजीनियर सुधार का, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और पीडीएफ नोट्स जो आपको चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और paykun.in का लिंक एक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस चैनल को कुछ पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाकर उस चैनल उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।